नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात विषय हिंदी और हिंदी अंदर आप चार पाठ सुधीन स्वाध्याय पोथी अंदर पूराई गयु हमें पीछे अपने स्वाध्याय पोथी अंदर नेक्स्ट पांचमो पाठ है यानी कि कविता है धरती किसान कविता एनु स्वाध्याय है ये स्वाध्याय पोथी अंदर पूरवा है। ओके तो ये अंदर जोशू प्रश्न नंबर एक में क्या दिखाते हैं। प्रश्न नंबर एक में दिया गया है कि नीचे ना निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्सर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। ये हमें प्रश्न क्या कहते हैं कि इस प्रश्न में हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है यानी कि लखवानो रहेशे। एमा पहलो प्रश्न, मनुष्य किसकी शान है? ए सागर की, बी आकाश की, सी धरती की, डी समाज की। एम आंसर आवशे सी धरती की। बीजू, मनुष्य की मुठिया में क्या बंद है? चेतन, आसमान, आंधी या तूफान। एम आंसर आवशे डी तूफान। त्रीजो प्रश्न, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? स्वर्ग को, अंबर को, तारों को का चांद को। एम आंसर आवशे बी अंबर को। चौथो प्रश्न से, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को, कपाल को, दिशाओं को, भूचाल को। ए काल को। ओके पांचवा प्रश्न, पंडित भरत व्यास क्या थे? ए संगीतकार, बी चित्रकार, डी गीतकार या कलाकार। सी गीतकार। ओके त्यारबाद आवशे प्रश्न नंबर बे नी अंदर शुं कीधुं छे के निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही चिन्ह लिखिए। मनुष्य चाहे तो काल था, आंसर आएगा थामलो। बीजू से, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ देना, तीजा बॉक्स के अंदर राइट करजो। ओके त्रीजू, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, आंसर आवशे बीजा नंबर नो बॉक्स। त्यारबाद आवशे प्रश्न नंबर त्रण में क्या दिखाते हैं? कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा आवशे पहलो प्रश्न, तेरी मुठिया में बंद तूफान है। बीजू, तू जो चाहे नदियों को मूर्ख को भी मोड़ दे। त्रीजो, तू जो चाहे माटी के अमृत से निचोड़ दे। चौथू, अमर तेरे प्राण मिला तुझे को वरदान। पांचवू, तेरी मुक्ति में तांडव का ताल है। प्रश्न नंबर चार में क्या दिया गया है? सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। कौन आंसर आवशे? बीजू, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। आंसर आवशे ए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इसमें पहला क्वेश्चन है, कवि ने किस धरती की शान कहा है? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। बीजो प्रश्न, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा? कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 3, महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा प्रश्न, मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। पांचवा प्रश्न, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया? कवि ने मनुष्य के अग्नि के समान वीर बताया है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, कवि मनुष्य को महान क्यों कहा? इसमें आंसर आएगी, कवि ने मनुष्य के अद्भुत शक्तिशाली है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है, जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है, मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी दृष्टि भूरु में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है, मनुष्य के इन साधारण शक्तियों के कारण कवि ने उसे महान कहा है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य है इसमें इतनी असंभव से संभव शक्ति है, वो जे धारे ते करी सके। बीजो प्रश्न, आप क्या क्या कर सकते हैं? मनुष्य पहाड़ के तोड़ सकता है, वो नदियों पहाड़ मोड़ सकता है, पतंग उड़ा सकते हैं, वो क्रिकेट अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता है, इसी तरह मैं बहुत से काम कर सकता। त्रीजो प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य में क्या क्या प्रगति है? रासायनिक, खाद्य
और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसके औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार हो गया है। त्रीजो प्रश्न, चौथो प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनेकों आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सीखा है। इसीलिए पांचवा प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है। वह नदियों को बहाव मोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। वह धरती और आकाश के एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकते हैं। छठो प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पापों के बढ़ने को रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला भी सकती है। ओके, इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी संभाल, तेरी मुक्ति में तांडव का ताल। इस भावार्थ में कहते हैं कि हे पृथ्वी, हे पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचा दर्ज का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भो तिरसी कर दे तो उसकी वही असह्य होना शिव का तांडव ताल भी होता है। दूसरा, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरे नम से भी ऊंची उड़ान है। हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश में ऊंचे पहुँचने की शक्ति तेरे में है। इसीलिए तू जे काम धारते है वो कर सकते है। प्रश्न नंबर 8, इसमें कहा है कि निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द दीजिए। धरती पृथ्वी, पर्वत पहाड़, नदी सरिता, माटी मिट्टी, अंबर आकाश, अग्नि आग, पवन हवा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्द के अर्थ दीजिए। हस्तपुरुष तगड़ा, संवाद बातचीत, सिद्ध जल्दी, जोहर पराक्रम, अजनबी अपरिचित, वेदांत ब्रह्म विद्या, मुकदर भाग्य, सागिद शिष्य, वृति मनोदशा, स्पष्ट साफ साफ। प्रश्न नंबर 10, इसमें क्या है, उचित जोड़ मिलाए, क्या मिलानी है, उचित जोड़ मिलाने। इसमें आएंगे पहले में मनुष्य भाग्यवान है, मनुष्य कैसा है, भाग्यवान। दूसरे में आएंगे ज्वाल है। तीसरे में आएंगे तांडव का ताल है। फोर में आएंगे युग का आह्वान है। फाइव में आएगा महाकाल है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न में दिए गए हैं, नीचे दिए शब्द के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, धरती आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अमृत विष, शंकर जी ने विष के पी लिया था, वरदान अभिशाप, दहेज प्रथा के एक सामाजिक अभिशाप है, ऊंचा नीचा, शर्म का उसका सिर नीचा हो गया, पाप पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है, जीवन मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। नीचे दिए गए शब्दों को शब्द कोश में क्रम से लिखिए। आईना, क्षति, झंकार, तूफान, नयन, वरदान, यासिस। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने सरस मजानो धोरण 7 अंदर हिंदी अंदर धरती की शान जे छे एक कविता छे तेनु स्वाध्याय आपने अहीं वीडियो ना माध्यम द्वारा तमारे त्यां पहुंचाड्यु छे। एटला माटे सारा अक्षरे व्यवस्थित आ स्वाध्याय छे ते तमारी स्वाध्याय पोथीनी अंदर तमारे लखवानुं रहेशे। ज्यारे अमे तमने बोलावशुं त्यारे ते आ बधा स्वाध्याय पोथी बोलावी अने चेक करवानी रहेशे। ओके, એટલે બધા બેસી અને આ સ્વાધ્યાય છે એ લખવાનું રહેશે। ઓકે, અસ્તુ।